चारों तरफ नजर दौड़ाओ, क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात करो सर, बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट ही सुपरमार्केटिंग है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी, वहाँ देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े बास्केट में रखे। अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा। अच्छा तुम्हें पता है नीचे की तरफ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मफिन्स ये सारी चीजें क्यों रखी जाती हैं? ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। ये लो बेटा जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है, लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। एक और गौर करने वाली बात, तुम्हें विंडो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? नहीं ना, ताकि कस्टमर को कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। इतना ही नहीं, हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। एक और बात है, कुछ ललचाने वाली चीजें काउंटर के पास भी रखी होंगी, ताकि बच्चे जिद करें और उनके माँ बाप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। वहां देखो एक टीवी भी लगा है, उस पर हमारे कॉम्पिटिटर न्यू फेडोरा के एड्स चल रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आ रहे हैं, ये सब कस्टमर को उकसाने के लिए। हमारे ब्रांड मैनेजर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मार्केटिंग एक पजल है। मार्केटिंग शतरंज की चाल की तरह है। अभी तो सिर्फ 10% बताया। मार्केटिंग इज एवरीवेयर, हमारे जीवन में भी, जन्म से लेकर मरने तक एक एक बात में, यहाँ तक कि बच्चे का खाना, जूते, कपड़े, स्कूल से लेकर उसकी शादी तक, हर कदम पे मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग। तो अब से तुम हर कदम पे मार्केटिंग करो। सर मैं मार्केटिंग की दुनिया को हिला के रख दूंगा। मेरे को आदि ने समझाया कि काम को बोझा समझ के नहीं हलवा समझ के करने का। वो ट्रक खाली करने का ज्यादा पैसे मांग रहा है, मैंने बोला कम कर तो जा रहा है। मैं फ्री में कर देता हूँ ना सर। इसने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे रख दिया और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को छुपा दिया। अगर उसके बताए रास्ते पर आंख बंद करके मेहनत करता रहा ना तो बहुत ऊपर जाऊंगा, और तुम लोग भी जा सकते हो, जिंदगी पलटी खा जाएगी। आओ इधर आओ बच्चे लोग। नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो ऑर्डर दे दूंगा। सर पिछली बार भी यही बोला था। मेरा विश्वास करो, अगली बार मिलोगे तो पक्का दे दूंगा। या आई गॉट इट। ओके। हाँ आपने बोला था ना दोबारा मिलोगे तो ऑर्डर दूंगा। ए क्या है तुम्हारा पीछा कर रहा है, पागल है क्या? शंकर कुछ सीखो इससे, बहुत ही स्मार्ट आदमी है ये। तुम्हारा ऑर्डर पक्का, मेरे ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू सर। ये अरविंद है, सैफ्रॉन कंपनी में काम करता है। और ये मेरे 5 तत्व हैं। भूमि, रियल एस्टेट, वायु, वैक्यूम क्लीनर, ये आकाश, टीवी वाला, ये अग्नि, गैस चूल्हा, और ये नीर, वाटर प्यूरिफायर। इनका तो पता चल गया, पर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, इन लोग के लिए काम ढूंढता हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अगर पानी का स्टॉक कल तक नहीं पहुँचा तो वेंडर पहुँचा तो वेंडर चेंज कर दूंगा। आरओ वाटर से आपकी परेशानी दूर होगी। क्या बात कर रहे हो? कहीं से भी कोई काम की बात पता चले तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने का। कोई और दोस्त हो जिसके पास अलग प्रोडक्ट हो तो उसे भी ग्रुप में शामिल कर लो जल्द से जल्द। आए हाय, अरे अरविंद की माँ, तूने एक बेटा क्यों पैदा किया रे? आई करती ना, तेरे से बोल रही है लगता है।